दोस्तों, मूर्खों से बहस न करो वरना ये जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं दो हैं। और अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में अच्छा मिले, अच्छा इसलिए करो कि किसी और को खुशियां मिले। आज बात करते हैं कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सफल क्यों हो जाते हैं। बहुत अहम सवाल है ये, बहुत लोगों का सवाल है। और कुछ लोग इसलिए बिजनेस शुरू नहीं करते कि सर कम पढ़ा लिखा हूँ। मगर मैं कहता हूँ आपको कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग ही जिंदगी में अरबपति, करोड़पति और खरबपति बने हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। कम पढ़े लिखे लोगों ने ही इतिहास रचा है और ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इतिहास रचते हैं, मगर उनके इतिहास रचने में और उनके इतिहास रचने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे यहाँ एक मित्र थे जो मेरे पास सवामणि का प्रसाद लेकर के आए। उन्होंने कहा, सर आपकी बेटी यानी उनकी लड़की आरजेएस में सफल हो गई है, इस बात की सवामणि की थी हमने और उसका प्रसाद लाया हूं। चूंकि मेरी बेटी भी आरजेएस की तैयारी कर रही है, एडवोकेट है और आरजेएस की तैयारी कर रही है, तो मेरे से कहे बिना नहीं रहा गया। मैंने उनको कहा, सर कोई आश्चर्य नहीं है आपकी बेटी आरजेएस बन गई। उन्होंने कहा, कैसे आश्चर्य क्यों नहीं है, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। मैंने कहा, हाँ अच्छी बात है, मैं मानता हूं आपकी बात को, मगर आप मेरे तीन प्रश्नों के जवाब देंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि आपकी लड़की का आरजेएस बनना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उन्होंने कहा, बताइए। मैंने कहा, आपके दादाजी यानी लड़की के पड़ दादाजी कितने पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा, बीए पास थे मेरे दादाजी। मैंने कहा, वेरी गुड। आपके पिताजी वो एमए पास थे, टीचर थे, बहुत अच्छे अध्यापक थे। मैंने कहा, वेरी गुड। और आप? बोले, मैं एडवोकेट हूं, आप जानते हो मुझे अच्छी तरह से। मैंने कहा, हां। तो अब आपकी बच्ची के पास ऑप्शन ही कहां बचा आरजेएस बनने के सिवाय, बनना ही था उसको, इससे नीचे वो क्या बनती भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी तो ग्रोथ होनी चाहिए, और 10-10% की, 20-20% की या 25-25% की ग्रोथ यदि आप एक पीढ़ी करती है तो आरजेएस बनने के सिवाय उसके पास चारा ही नहीं था। तो बोले, फिर किसकी लड़की बनने से आप खुश हो गए। मन का, किसी गरीब की, किसी कम पढ़े लिखे लोगों की, किसी गांव के लोग की। लड़कियां जब आरजेएस बनेंगे तब मुझे असली खुशी होगी। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। जिंदगी में आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। गरीब का लड़का या कम पढ़े लिखे का लड़का जल्दी सफल क्यों हो जाता है और क्यों नहीं होता, उसके कारण 3-4 कारण हैं। ध्यान से सुनिएगा। कम पढ़े लिखे लोगों के पास में ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं और इसीलिए वो बहुत सी बातों में पीछे रह जाते हैं। जैसे एजुकेशन के मामले में वो पीछे रह जाते हैं, प्रॉपर फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। अच्छी कॉलेजेस में, अच्छी स्कूल्स में या इंग्लिश लिटरेचर के स्कूल में वो नहीं पढ़ पाते, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। मगर इसके साथ में उनमें और कई खासियतें होती हैं जिन खासियतों के कारण वो आगे निकल जाते हैं। क्या खासियत होते हैं उनके? एक टीस होती है। गरीब की झोंपड़ी का लड़का जब महल के दीपक की तरफ देखता है या बड़ी हवेली के 3 मंजिले मकान के ऊपर वाले कमरे में जो बच्चा पढ़ रहा है, पता है उसको कि मेरे साथ ही पढ़ रहा है वो, उसके पास 24 घंटे लाइट है, यहां तो एक दिया है टिमटिमाता हुआ। मेरे साथ हुआ है ये ऐसा। मैंने मेरे माताजी को कहा था, मम्मी हमारे यहां उस समय माँ कहा करते थे,
मैंने कहा माँ पड़ोसी के यहाँ छत के ऊपर एक कमरा है, वहां सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी जाके पढ़ सकता हूँ। वहां उनके पास लालटेन है, अपने पास ये स्याही की दवात के अंदर केरोसिन डाल के एक बत्ती डाल करके नाक काला हो जाता है, इससे धुआं जो जाता था उसमें उसका कार्बन जा जाके नाक को काला कर देता था अंदर से। मैंने कहा वहां पढ़ ले। बोले बेटा अपने यहाँ ये व्यवस्था है ना, इसी व्यवस्था में खुश रहना सीखो, और तुम कोशिश करो कि जो उनकी छत के ऊपर जो कमरा है ना वो कभी तुम भी बनवा सको। और दोस्तों ऐसा हुआ जैसा मेरी माँ ने चाहा था। ये गरीब के बच्चे में होशियारी होती है, वो चुभन होती है, और जो चुभन आप में इस समय जागृत हो जाएगी वो चुभन आपके जिंदगी भर रहेगी। मेरी शिक्षा एजुकेशन मेरे हिसाब से कहीं बीच में अटक गई थी गरीबी के कारण, वो टीस मुझे जिंदगी भर सालती रही कि काश मैं इतना पढ़ लेता, काश मुझे पिताजी पढ़ा पाते। मगर कुछ मजबूरियां पिताजी भी की भी थी, 11 संतान। ध्यान से सुनिए, आज के टाइम तो किसी को 11 संतान बता दें कि हम 11 बहन भाई हैं तो अगले को ताजुब होता है। मेरी एक दोहिती आई हुई थी 6 साल की, उसको बातों बातों में मैंने बता दिया हम 11 बहन भाई हैं। उसने कहा दादा नानू झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा कैसे, क्या हो ही नहीं सकता, कभी 11 बच्चे हुए हैं किसी के? मैंने कहा बेटे हम हैं, मौजूद हैं। बोले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तू मेरे दादू को फोन करो। उसने फोन, आजकल तो आप जानते हो, उसने फोन मिलाया, दादू दादू मेरे नानू कह रहे हैं कि ये 11 बहन भाई हैं। तो दादू ने कहा बेटा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, वास्तव में है? बोले हो सकते हैं। बोले है हो सकते नहीं है। और ध्यान से सुन, बोले क्या? बोले हम भी 10 बहन भाई हैं। बोले दादू आपने कभी बताया नहीं। बोले क्यों नहीं बताया, मैं रोज मिलाता हूँ तुम्हारे को, ये वो फला दादाजी हैं, डिकले दादाजी हैं। अरे तो बोले मैंने तो सोचा वो गांव के हैं किसी के, और पूरे मोहल्ले मोहल्ले में फिर तो दादा वो दादाजी वो अपना मोहल्ला है, वो अपना ही अपना है। बोलो अपने घर है, वो मोहल्ले नहीं है, अपने सारे परिवार के घर हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियां बच्चों में आती हैं, ये जनरेशन गैप है। जब तक ये जनरेशन गैप समझने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा तब तक ये बातें होती हैं। शिक्षा के बाद में बात आती है आर्थिक अर्थ की। तीन चीजें मैंने बताई थी, पहली एजुकेशन की कमी होती है गांव के लड़कों में, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते। दूसरी वेल्थ की कमी होती है, धन की कमी होती है। शहर के लोगों के पास में अच्छा व्यवसाय होता है, अच्छा बिजनेस होता है, इस कारण से वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठे किए हुए पैसे को अपने बिजनेस में लगा देते हैं। मगर गांव के लोगों के पास में साधारण सी थोड़ी सी जमीन होती है, मजदूरी के सिवाय और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो सफल नहीं होते। मगर फिर भी उनमें जुनून होता है और उस जुनून के पेटे वो सफल हो जाते हैं। और तीसरा, पहला एजुकेशन, दूसरा वेल्थ, और तीसरा रिस्क लेने की कैपेसिटी। गांव के बच्चे में सबसे ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, और वो शुरू कहाँ से होती है, खेल खेल से शुरू होती है। बच्चे जब पशुओं को चराने के लिए जिसको बोलते हैं सरकारी चारागाह या जोड़ा बोलते हैं वहां जाते हैं, तो वहां बारिश के दिनों में तालाब भर जाता है, और छोटे छोटे तालाब होते हैं, वहां डूबने का डर नहीं रहता है, छोटे बच्चे डूब भी सकते हैं। मगर ज्यादा 10-12 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो उसमें खूब छलांग लगा लगा के रिस्क ले लेकर तैरते हैं, इधर से उधर इधर से उधर, इस तरह वो रिस्क लेना सीख जाते हैं। मगर शहर का बच्चा हाँ रिस्क तो नहीं ले पाऊंगा, मैं तो रिस्क नहीं ले पाऊंगा। अरे भाई रिस्क नहीं ले पाओगे तो रिस्क के बिना गेन नहीं है। और बिजनेस का ये फंडा है, जहां बिजनेस में आपने रिस्क नहीं ली वहीं आपको लॉस हो गया, और जहां आपने रिस्क ले ली आप रिस्क को गेन में बदल करके या प्रॉफिट में बदल के निकल सकते हो। नमस्कार।